जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के पार्ट को या कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। दोस्तों, आपका जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल दो ही टॉपिक से आपके 10 में से 7 प्रश्न पूछ जा रहे हैं, और बाकी आपके 1-2-3 प्रश्न आपके इंटरनेट और ईमेल वगैरह से पूछे जा रहे हैं। तो सेम आपका पिछली भर्ती में भी ऐसा ही आपका पूछा जा रहा है। तो पिछली भर्ती में जो प्रश्न पूछे गए तो उन प्रश्नों को सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि वही प्रश्न आपके बार बार रिपीट होते हैं, खासकर आपके एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। तो जो कि आपका पिछली भर्ती में भी पूछे गए थे, तो आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप ये पेपर सॉल्व करोगे। तो दोस्तों, यह रहा आपका कंप्यूटर का पहला प्रश्न। और एक इस चक्कर में नहीं पढ़िएगा कि कंप्यूटर 10 अंक का है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो कंप्यूटर में 10 में से 9 या 10 में से 10 भी ले सकते हो, और एक एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस डैश लंबा होता है, तो कितना लंबा होता है? तो दोस्तों, ये आपका 32 बिट्स लंबा होता है। कितना? 32 बिट्स लंबा होता है। तो ऑप्शन 3 में आपका ये दिया गया है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस 32 बिट्स लंबा होता है। अगला देखिए, एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? तो दोस्तों, एक ईमेल में टेक्स्ट, फाइलें, इमेज सभी आपका समाविष्ट हो सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। देखें, अगर अदर ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आपका ये दिया गया है ईमेल, टेक्स्ट, तो दोस्तों ये भी उसमें होता है, केवल आपकी फाइलें अकेली ईमेल में नहीं होती है, ध्यान रखिए, ठीक है? टेक्स्ट, फाइल है, लेकिन इमेज नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 ही सही रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो हम पढ़ेंगे, देखो, एमएस वर्ड में एक शब्द में लोअर केस यानी छोटे अक्षर और अपर केस यानी बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरा देखो, एमएस वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। तो किस ऑप्शन में ऑप्शन 1 सही है? आपका ऑप्शन 4 में आपका दिया गया है पहला सही है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता होगा कट कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला। अगर आपको कॉपी करना है तो आप Ctrl+C दबाएंगे, अगर आपको पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबाएंगे, अगर आपको कट करना है तो Ctrl+X दबाएंगे, ठीक है? अगर आपको बोल्ड करना है तो V दबाएंगे, अगर आपको अंडरलाइन करना है तो Z दबाएंगे, कॉपी करना है C दबाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है न्यू दबाएंगे, सेव करना है S दबाएंगे, ठीक है? अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों, ट्रिपल लेफ्ट क्लिक, किसका? अगर आपको पैराग्राफ का चयन करना है तो देखो, ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है, आपका जो वर्तमान में आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज जो आपकी भाषा है वो थोड़ी सा चेंज कर दी, प्रश्न आपका वही है। तो अगर आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आपको ट्रिपल यानी 3 बार लेफ्ट यानी बाईं ओर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? थोड़ा सा लैंग्वेज बस उसने चेंज किया है। अगला देखो, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? तो दोस्तों, इससे आपका कर्सर यानी सिलेक्शन बॉक्स नीचे की ओर सेल में चला जाएगा। क्या?
कर्सर नीचे की ओर सेल में चला जाएगा। तो ऑप्शन टू बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखो, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरी नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसने स्थानांतरित का बोला यानी ट्रांसफ़र, तो इसके लिए हम FTP का प्रयोग करेंगे। किसका? FTP का। इसका फुल फॉर्म ही होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन वन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है आपका MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों, जिसे हम इंग्लिश में रॉ बोलते हैं, की कम से कम संख्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों MS वर्ड में आपके कितनी, आपकी कम से कम संख्या एक हो सकती है। कितनी? कम से कम एक। तो ऑप्शन फोर में आपका एक दिया गया है, तो ऑप्शन फोर आपका बिल्कुल सही होगा, कम से कम एक हो सकती है। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित MS Excel फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो आपका यह फॉर्मूला है, इसका परिणाम आपका क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो ऑप्शन टू आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला वेज भी आपके प्रश्न पूछ जा रहे हैं, खासकर MS Excel के। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए वर्कशीट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल। तो इसका राइट आंसर होगा नेम बॉक्स। क्या होगा? नेम बॉक्स। ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न, और कंप्यूटर में आपका MS Word और MS Excel के यही आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यही प्रश्नों को अगर आपको और आपकी कोई बुक वगैरह है तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं, और इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आपकी न्यू वैकेंसी SSC GD की भी है, और भी आपका COP है, CGL है, स्टेनोग्राफर है, MTS है, CHSL है, तो इनके भी प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।